राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा 25 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन के चौथे चरण में 12 सितंबर 2024 को जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक एवं मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 8 जुलाई 2024 को सभी जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। दूसरे चरण में 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों एवं विधायकों को ज्ञापन दिए जा रहे थे। तीसरे चरण में 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक प्रत्येक जिले में शिक्षक जागृति यात्रा निकाली जाएगी। संघर्ष समिति के सचिव एवं प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा ने प्रमुख मांगों में सभी सहवर्ग के शिक्षकों को केंद्र समान वेतनमान, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण, बकाया पदोन्नति, पुरानी पेंशन को यथावत रखने, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देने की मांग की है। शिक्षक जागृति यात्रा के लिए 4 दल बनाए जाएंगे जिनके नेतृत्व में जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियाराम शर्मा, नवीन कुमार शर्मा, रामदयाल मीणा, ब्रजभूषण शर्मा, विजय कुमार शर्मा, राजेंद्र पारिक, मुकेश मीणा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये 12 सितम्बर को हमने आंदोलन की डेट तय की है। जयपुर से जो सिविल लाइन फाटक है वहाँ हम इन मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उनमें मुख्य जो मांगे हैं उनमें सबसे पहले तो जो 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं वो चाहे थर्ड ग्रेड की हो, जैसे 3600 की जगह 4200 है, सेकंड ग्रेड वाली 4800 है, यानी केंद्र के समान हूबहू हमारी मांग है कि शिक्षकों को, सभी ग्रेड के शिक्षकों को उनका वेतन का जो है वो 7वां वेतन आयोग केंद्र के समान होना चाहिए। जो भी प्रदर्शन में जो होता है वो सब कुछ होगा। और हमारी न केवल 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर करने की मांग है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो शिक्षक हैं उनको 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए और एक स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति है वो बननी चाहिए और हमारा शिक्षक सुरक्षा कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन आजकल हम देख रहे हैं कि अभिभावक भी उग्र हो जाते हैं, ग्रामवासी भी उग्र हो जाते हैं, कई प्रकार की इस टाइप की घटनाएं शिक्षकों के साथ होती हैं, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन भी आना चाहिए शिक्षकों के लिए। और एक जो प्रमुख मांग है हमारी वो ये है कि जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की भर्तियां हो रही है ना, उसमें 25% पद प्रिंसिपल की सीधी भर्ती से और 50% पद वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती से होने चाहिए, ये हमारी मांग है। 25 सूत्री मांगों का एक हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और इसकी 4 चरणों के अंदर हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। पहली शुरुआत हमारी हो चुकी है, 8 जुलाई को हमने सभी कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। दूसरे चरण हमारा है 15 जुलाई से लेके और अब तक सभी एमएलए को जो भी हमारे जनप्रतिनिधि उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं। और तीसरे चरण में हम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक शिक्षक जागृति रैली का निकाल रहे हैं पूरे राजस्थान में और 12 सितंबर को हम विशाल रैली निकालकर सिविल लाइन फाटक तक जाएंगे और यदि मंत्री जी ने या सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आगे की रणनीति वहीं तैयार होगी। इसमें किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम, ये हमारे शिक्षकों की मांग है। केवल शिक्षक शामिल होंगे, शिक्षक संघ सियाराम संगठन के लोग सदस्य होंगे, इसमें कोई राजनीतिक इसमें कोई शामिल नहीं करेंगे।